बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम इंटर पार्ट वन में इस्लामियात लाजमी, इसका चैप्टर फोर है, इसका टॉपिक है कुरान मजीद की जमा और तदवीन। ये एक अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर कि इसके अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज भी आते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इन हेडिंग को नोट करें और इन हेडिंग्स के साथ इस लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। सबसे पहले हेडिंग देखिए कुरान का मफहूम, और यहाँ लिखेंगे कुरान का लफ्जी मानी है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी धामी किताब है, जो अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबी जबान में हालात और ज़रूरत के पेश नज़र आहिस्ता आहिस्ता 23 सालों में नाज़िल फरमाई। फिर उसके बाद हिफाजत का जिम्मा, ये हेडिंग ने और वाणी कि कुरान मजीद वो इल्हामी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। कुरान की आयत का तर्जमा लिख देंगे, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने ये नसीहत उतारी और हम ही इसके निगहबान हैं। उसके बाद हिफाजत कुरान के मराहिल, ये हेडिंग दें और इसमें आप ये देखें कि ये तीन मराहिल है। एक है अहद नबवी में हिफाजत कुरान, दूसरा है अहद सिद्दीकी में हिफाजत कुरान, और तीसरा मरहला है अहद उस्मानी में हिफाजत कुरान। अब हम इन तीनों की डिटेल देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग दें अहद नबवी में हिफाजत कुरान, और वहाँ लिखेंगे दौरे रिसालत में कुरान की हिफाजत दो तरह से हुई। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कुरान पाक की आयात को हिफ्ज किया, पूरा का पूरा कुरान आपने याद कर लिया, यहाँ तक कि आपके दीगर सहाबा किराम, सहाबियात, आहले बैत किराम, अजवाज मुतहरात को भी आपकी मुबारक ज़िंदगी में पूरा कुरान ज़बानी याद हो चुका था। फिर वो कुरान पाक की तिलावत भी किया करते थे, खुसूसन नमाजों के दौरान। नमाज में सूरह फातिहा के बाद जो सूरत पढ़ी जाती है, तो मुख्तलिफ सूरतें मुख्तलिफ आयात पढ़कर यूँ कुरान पाक को याद रखते। इसके अलावा एक और काम ये हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में मस्जिद नबवी में एक मकाम मुतय्यन था जहाँ पर आयात कुरानी जो नई नाज़िल होती उनको लिख कर रख दिया जाता, और फिर सहाबा किराम जो बाद में आते नमाज पढ़ने आते तो नमाज के बाद उस मकाम पर जाते और उन आयात को देख कर याद कर लेते, अपने पास नोट कर लेते। तो ये है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिफाजत कुरान का एक मरहला। दूसरा है तिलावत कुरान। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जब कोई वही नाज़िल होती, आप सबने सहाबा किराम में से जो कातिबीन होते उनको बुला लेते और उनको वो आयात लिखवा देते। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में कुरान पाक खजूर के पत्तों पर, ऊंट के शाना की हड्डी पर, पत्थर की सिलों पर मुख्तलिफ अज़ा की सूरत में लिखा हुआ मौजूद था। उसके बाद हेडिंग देंगे अहद सिद्दीकी में हिफाजत कुरान। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहलत के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आता है। सबसे पहली हेडिंग दें तदवीन कुरान की ज़रूरत, और वहाँ पर यह लिखें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हयात मुबारका में अगर थे कुरान मजीद एक किताब की सूरत में मुदव्वन न था, यानी मौजूद न था, कई अशिया पर लिखा हुआ मौजूद था, इसको पहले खलीफा सिद्दीक अकबर के दौर में मुदव्वन करने की ज़रूरत पेश आई। फिर हेडिंग दें जंगे यमामा, इसमें आप ये लिखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद कुछ लोगों ने अपने अपने इलाके में नबूवत का झूठा दावा कर दिया। उनमें से एक शख्स था जिसका नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो यमामा का रहने वाला था, वो अपने कबीले का सरदार था, उसने भी नबूवत का झूठा दावा कर दिया। तो सहाबा किराम का एक लश्कर उसकी सरकोबी के लिए गया, यमामा के मकाम पे जंग हुई, अगर के मुसैलमा का साहब मारा गया, उसके लश्कर को शिकस्त हो गई, लेकिन इस जंग में बहुत से सहाबा किराम ऐसे शहीद हो गए जो हाफ़िज़े कुरान थे। उसके बाद आप देखेंगे हजरत उमर की तजवीज, और वहां लिखेंगे कि जब जंगे यमामा में बहुत से हाफ़िज़े कुरान सहाबा शहीद हो गए,
इस बिना पर उन्होंने तजवीज पेश की खलीफा अव्वल को कि हम कुरान को एक किताब की सूरत में लिख कर अपने पास रख लें। चुनाते अगले हदीसें हजरत जैद बिन साबित का तकर्रुर। हजरत जैद बिन साबित कातिब वही भी हैं, आप सहाबी रसूल भी हैं, खुद हाफिज़ कुरान भी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अक्सर आप वही की किताबत किया करते थे। इस तरह इनकी ये ड्यूटी लगाई गई कि ये कुरान पाक को एक किताब की शक्ल में मुरतब कर चुनाते उन्होंने इस जिम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाया। कई सहाबा कराम दीगर कातिबीन जिनके पास कुरान लिखा हुआ मौजूद था उनसे वो तमाम आयात व सूरतें मंगवाई, उनको वेरीफाई किया, चेक किया, कन्फर्म किया और यूँ बहुत मेहनत के साथ सर्च करके और बड़ी जो है वो जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कुरान पाक को तरतीब दिया, लिखा। आयात और सूरतें भी वही रखी, सूरतों के नाम भी वही रखे, उसकी तरतीब भी वही रखी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताई थी, तरतीब तौकीफी। तो मौजूदा कुरान पाक जो हमारे पास दुनिया भर में मौजूद है ये उसी कुरान पाक के नुस्खे हैं या उसकी कॉपीज हैं। अगली हदीस देखिए, पहला नुस्खा है कुरान कि जब सिद्दीक अकबर के दौर में कुरान पाक का पहला नुस्खा तैयार हो गया तो उन्होंने वो नुस्खा कुरान हजरत अबू बकर सिद्दीक को पेश कर दिया, उन्होंने उसे अपने दफ्तर में महफूज कर लिया, संभाल के रख लिया। दूसरे खलीफा उमर का दौर भी है, उस दौरान जो कि इस्लामी सल्तनत की फतोहात में काम हुआ, इस्लामी रियासत के फतोहात इसके उसूल ज़वाबित पर काम हुआ। उमर फारूक की वफात के बाद आपकी बेटी हजरत हफ्सा जो कि उम्मुल मोमिनीन भी हैं उन्होंने इस कुरान पाक के पहले नुस्खे को अपने पास संभाल के रख लिया। लेकिन जब अहद उस्मानी आता है तो उस वक्त ये हुआ कि कुरान पाक को लोग अपने अपने लहजे अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी किरात के साथ पढ़ने लगे। अगले हदीस देंगे, अहद उस्मानी में हिफाजत कुरान, तो इन्होंने ये एक ऑर्डर जारी किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि कुरैश खानदान से ताल्लुक रखते थे इसलिए सब लोग कुरैशी किरात के मुताबिक कुरान पाक को पढ़े। दूसरा काम ये किया हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि उन्होंने कातिबीन कुरान हजरत हफ्सा से मंगवाया, उसको देख देख के और कई नुस्खे और कई जो है वो कुरान पाक तैयार करवा लिया, उसकी कॉपी करवा ली और फिर उनको मुख्तलिफ ममालिक या सूबों में अपने अपने जो वहाँ के हुक्मरान थे या गवर्नर थे उनके दफातर में एक एक कुरान का नुस्खा पहुँचा दिया ताकि वहाँ के लोग उस कुरान पाक को देखकर अपनी गलती को दुरुस्त कर लें और उसके मुताबिक ही उसको पढ़ें। फिर अहद जदीद में हिफाजत कुरान ये हदीस है और यहाँ पर यह लिखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दौर के बाद जो बाद वाला दौर आता है जैसे ताबईन का, तबा ताबईन का या आज मौजूदा दौर, इन तमाम अदवार में भी कुरान की हिफाजत के बारे में हमने लिखना है। पहली बात तो ये है कि कुरान पाक वो सबसे अजीम किताब है जिसको सबसे ज्यादा मर्तबा पढ़ा गया है, पढ़ा जा रहा है, यानी कुरान की तिलावत ये अहले जिसको बार बार पढ़ा गया है ये कुरान का एजाज। उसके बाद हिफाजत कि दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जिनको कुरान ज़बानी याद है और ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर इशाद ये हटी थी और बताएं कि कुरान पाक वो किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा छपने वाली, सबसे ज़्यादा जो है वो प्रिंट होने वाली किताब है। तो इस तरह एक और हटी दे सकते हैं हिफाजत, और यहाँ देखेंगे कुरान पाक को मुख्तलिफ सूरतों में महफूज कर दिया गया है। अब जदीद दौर में हम ये कहते हैं कि इसको मुख्तलिफ फॉन्ट्स में, इसको मुख्तलिफ पेपर्स पर, मुख्तलिफ साइज़ में और यहाँ तक के सीडीज में, कंप्यूटर में, हार्ड में, मोबाइल में डिफरेंट तरीकों से कुरान पाक को लिख कर महफूज कर दिया गया है। गोया अब कुरान एक ऐसी किताब बन गई है जो कि ना काबिले तस्वीर है। कुरान पाक को अब ना कोई मिटा सकता है और ना कोई इसमें चेंज कर सकता है और ना कोई इस किताब में कोई कमी बेशी कर सकता है। तो यूं अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया था कुरान की हिफाजत का वो बेहतरीन तरीके से पूरा होता नजर आ रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कुरान मजीद की हिफाजत जमा और तदवीन। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए इन हेडिंग के साथ आप देखें कि इंशाल्लाह आपको पूरे समझ मिलेगी।